अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से खबरों का हिस्सा रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके कारण वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने गोवा सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अब मलिक ने जयपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन पर बात करते हुए कहा कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अमूमन कोई हादसा होता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत पर संसद में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। किसान आंदोलन को लेकर करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू ने मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि सतपाल मलिक को राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल मलिक ने जयपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन पर बात करते हुए कहा था कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अमूमन कोई भी हादसा होता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद भी सदन में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सूरजपाल अम्मू ने ट्वीट करके कहा है सतपाल मलिक को राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उन्हें किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो धरने पर बैठें। बता दें सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर बोलते रहे हैं। उनके अनुसार उन्होंने पहले भी किसानों के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया है। साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बोलने से यह मुद्दा बन जाएगा। उनके अनुसार राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे शुभचिंतक सोचते हैं कि किसानों पर बोलने से इसे हटाया जाएगा। राज्यपाल सतपाल मलिक का कहना है कि उन्हें दिल्ली के 2-3 लोगों ने राज्यपाल बनाया है, अगर उनके लिखने और किसानों और अन्य मुद्दों पर बोलने पर उन्हें दिक्कत हुई तो वे उन 2-3 लोगों के कहने पर अगर उन्हें दिक्कत होती है तो वह उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। दरअसल नए कृषि कानूनों पर किसान पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, कमेटी भी बनी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।